So hello guys, good morning and welcome back to the another video. I am definitely sure कि आप लोग ट्रेन के ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं ट्रेन ब्लॉग लाने वाला हूँ, बस वेट कर रहा हूँ 1 जुलाई का. और उस जुलाई को हो सकता है कुछ एक और ट्रेनें भी चल पड़े और जम्मू को एक दो और ट्रेन मिले. फिलहाल जम्मू को सिर्फ एक ही ट्रेन मिली हुई है, वो है जम्मू नई दिल्ली राजधानी स्पेशल. तो उसमें 1500-1600 रुपया डायनामिक प्राइस देके यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो आप लोगों को पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम, फाइनेंशियली क्राइसिस पूरे डे में आया हुआ है. तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ. आज का दिन में क्या क्या होने वाला है आपको बताता हूँ, चलिए. तो गाइस अभी आप देख सकते हैं 9:15 हो चुके हैं. इट्स टाइम फॉर मी टू हैव माय ब्रेकफास्ट. आपको बता दूं कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रहा हूँ. भाई आज मैं कॉर्नफ्लेक्स लेने वाला हूँ. आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि बहुत ही गर्म होता है शायद. आधा चम्मच इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट फिर भी ये मैं इसमें गैस डाल रहा हूँ. सोंगे के 5-6 पीस मित्रा खोल लो. पहले लाइट जला लेते हैं और इसके साथ ही हम चलाते हैं एसी क्योंकि गर्मी बहुत हुई है, बड़ी है भाई. ऑलराइट, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब चलेगा. चल क्या छोड़ा, इसका टेम्परेचर रखते हैं अपन 24. तो गाइज हमारे ब्लॉगिंग सेटअप में एक और चीज़ जुड़ गई है, नहीं मैन फ्रोंटो का ट्राईपॉड, मिनी ट्राईपॉड. और इसको मैंने अमेजोन पे पहले देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अमेजोन की डिलीवरी यहाँ पे अपने टाउन में नहीं थी. फिर मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया और कल ही ये डिलीवर हुआ है. पहले तो मैं चाहता था कि मैं इसकी जो इसको अनबॉक्स करूँ आपके सामने, बट ऐसा हो नहीं सका क्योंकि अनबॉक्स करने के लिए ना दो लोग चाहिए होते, तो मैं अकेला ही था. तो ये सारा सामान है, इसमें एक बुकलेट में थी, पता नहीं वो कहाँ पे है. तो ये एक नई चीज़ है अपने पास और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है. और इसको इसके साथ ये बटन लगा हुआ है, जैसे इसको हम दबाएंगे ना ऐसे करके, ऐसे इसको दबाएंगे तो ऊपर से ये घूमेगी, रोटेट हो सकती है. ठीक है, आप समझ गए ना. तो इसके पहले आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले भाई किससे ब्लॉक करते थे, तो भाई इसके पहले मैं एक नॉर्मल से मिनी ट्राईपॉड से ब्लॉग करता हूँ. बहुत लोगों के पास ये है, नरेंद्र भाई के पास है, एक्सप्रेस जर्नी एमआर लाइफ के पास है, मोनू भैया भी एसी से ब्लॉग करते थे. तो गाइज कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ सा क्यूट सा लग रहा है ये. ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल ईजी सा, बिल्कुल एक इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं. तो ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कितना फ़र्क है दोनों में. इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ हाथ से पकड़ा हुआ इस कैमरे को, ये देख लीजिए. और इसके साथ ये वाला ट्राईपॉड मैं यूजली यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ही ऐसे डर लगा रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए, गिर ना जाए. तो इसके साथ डेफिनेटली ब्लॉग हो सकता है. तो गाइज DSLR कुछ इस तरह से लगेगा इसके साथ पकड़ने में. और मैं आपको यकीन दिला 100% आपको कह सकता हूँ कि पहले तो मुझे लग रहा था कि ये छोटा सा मिनी ट्राईपॉड है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट ये इसको आराम से पकड़ सकता है. यू कैन सी हाउ इट्स नॉट शेकिंग यू नो. और ये बहुत ही कन्वीनियंट है. जब आप एसी से निकल के बाहर आए ना तो बस बुरी हालत हो जाती है. तो गाड़ी में भी एसी चलाना पड़ेगा भाई. और पहले थोड़ी सी हवा जो गैस है वो निकाल लेते हैं. ठीक है, तो बहुत ही कन्वीनियंट लग रहा है मेरे को तो ये कैमरा, वो सॉरी ये ट्राईपॉड. अब बस अड्डे की तरफ जाते हैं और वहाँ पे पता करते हैं कि बस की टाइमिंग क्या है. फिलहाल मैंने मास्क लगा लिया, नथिंग एल्स, एक टी शर्ट डाली है सिंपल सी और एक
पजामा डाला हुआ देख लीजिए, सिंपल सा। तो जो भी मिला डाल लिया, अब चलते बस अड्डे की तरफ। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जम्मू के एक छोटे से टाउन में रणवीर सिंहपुरा, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरसपुरा, और अपनी लैंग्वेज में ये एक नाम से फेमस है, बोलते हैं आरसपुरा को नवांशहर। तो ये वो स्टॉप है, यहाँ पे बसेस खड़ी होती है, बट यहाँ पे अभी कोई भी बस नहीं है। तो अपने टाउन को बोला जाता है जी नवांशहर, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। आरसपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ, आरसपुरा जम्मू से। आपने जो पीछे वाला वीडियो देखा था, उसमें हमारे एक दोस्त थे सुनील, मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अभी भी दोस्त बन चुका है, और वो काफ़ी जगह मेरे साथ घूमता रहता है। मतलब हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ ही जाएं, और वो मेरे साथ दिल्ली में भी था। जो फायर वाला वीडियो आपने देखा, उसमें वही सुनील है। अब उसके घर जाना है मेरे को, कुछ काम है, वो काम निपटा के आते हैं और फिर बस का पता करते हैं। तो गाइस सुनील आ चुके हैं, बट मास्क नहीं पहना हुआ है, इससे पूछना पड़ता है कि मास्क नहीं पहना, इसलिए मास्क नहीं पहना क्योंकि घर पास है ना। और ये बताओ कि ट्राईपोड कैसा है? ये बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल सर। और ये हमने जैसे कि आपको बताया कि सुबह इसका अनबॉक्स किया था, और जो इसकी बुकलेट है डायरी, वो यहीं पर ही गिरी हुई है, मिली। तो इसके घर जाएंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे और छोटी मोटी गपशप मारेंगे, फिर जाएंगे उस जगह पे जहाँ से बस की टाइमिंग का पता चलेगा कि बस की टाइमिंग क्या है और कितनी बसेस रोजाना आरसपुरा से जम्मू जाती हैं और क्या क्या उनका रूट है। केड़ा 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 अच्छा तेरा जरा तेरा फेवरेट वाला आया, दो ग्लास ठीक है मेरा भी, हाँ दो ग्लास लिया। तो गाइस अभी कुछ पता नहीं चल पाया कि बसेस का टाइम क्या है, दो तीन लोगों से पूछा बट प्रॉपर नॉलेज किसी को भी नहीं है। थोड़ी सांस ले लेते हैं मास्क नीचे करके। तो अभी शायद बेस्ट तरीका होता है किसी को पूछने का, कोई बस अड्डे के पास दुकान है या फिर कोई स्टेशन प्लेटफॉर्म पे दुकान है, तो बेस्ट जो तरीका होता है ये होता है कि उसको उससे 20-30 रुपए का सामान लो, साथ में वो सामान आपने यूज़ भी कर लेना, साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो जाएगी। तो एट द टाइम फ्रूट बियर ऑर्डर करिए, तो फ्रूट बियर पीते हैं। कोको वाला तो नहीं चलेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। नमक पाया बिच? क्यों पाना नमक? मेरा भी अच्छा पहले होता है। हाँ जी चल ठीक है, तुम तेज पीने तो पा लेने, ये चख लें दे, देख लो पूरा फिट है, पूरा फिट है। ओ गर्मी पूरी बैठा, गर्मी लगी करती है, ए सी ला लेने, रुक जा गड्डी न्यूट्रल दे कर, तेनू फड़ मेरे वाल करना कैमरा। आए गर्मी होए, आए गर्मी होए, घर बार ए सी होए, ए सी बिच बह गए, ए सी का शकीन हो गया तुम्हें हूँ। ठीक है ठीक है, गाइस जब तक मैं ये अपना कोक एंजॉय करता हूँ, आप देखिए टाइम लैप्स। तो गाइस जम्मू से चल के बस आ चुकी है, वो आप देख रहे हैं गाड़ी टर्न हो रही है, वो ड्राइवर से ही पूछते हैं कि ये गाड़ी अब कितने बजे चलेगी, ठीक है। और अगर आपको ये बस देखने में अच्छी लग रही है तो एक कमेंट करिए भाई, और अगर इस बस का ब्लॉग देखना चाहते हैं तब भी एक कमेंट कर दीजिए। फिलहाल ड्राइवर के पास चलते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करके आते हैं। तू भाई इधर ही बैठ, मैं करके आता हूँ। ओके एंजॉय द ट्रिप। सर कितने बजे जाएंगी बस? मतलब ऐसे ऐसे टाइम से पूछती दिल्ली, 11 बजे जम्मू, 12 बजे जम्मू, 11 का तो चलती है
10 ਵਜੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਰਮਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ तो गाइस बड़ा सिंपल हो चुका काम एक बस 10 बजे एक 11 बजे एक 12 बजे घंटे घंटे बाद ठीक है ये वाली बस है जी 11 बजे अब हम इसी बस का ब्लॉग बनाएंगे मार्को पोलो टाटा दोनों ने मिलके बनाई हुई है बस इस तरह की एक बस का ब्लॉग पहले यहाँ बना चुका हूँ बट वो बस पेट्रोल या डीजल पे चलने वाली बस थी डीजल पे ही और चंडीगढ़ से लेके मैंने डसुआ तक ब्लॉग बनाया था अब इस बस का ब्लॉग हम कल बनाएंगे फिलहाल तक ये ब्लॉग एंजॉय करिए और मिलते हैं फिर आपको जल्दी ही घर जाके सुनील को छोड़ने के बाद